नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों यहां बात करेंगे हम यूपी टेट 2019 के बारे में। 2019 में यूपी टेट संभावना है कि सितंबर में होने जा रहा है, ये जानकारी न्यूज़पेपर्स में भी आ गई है और आपने भी पढ़ ली होगी। नहीं पढ़ी तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, सारी जानकारी यहाँ आपको दी जा रही है। यूपी टेट 2019 सितंबर में संभावित है, टेंटेटिव मामला है, आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन बात यह आती है कि आपको इसमें करना क्या है और कितनी मेहनत करनी है। जो लोग 2-3 बार टेट दे चुके हैं, इस तरह के अभ्यस्त हैं बार बार एग्जाम देने के, तो हो सकता है उनके लिए ये जानकारी ज्यादा अच्छी नहीं लगे, लेकिन जो मेरे भाई बहन फर्स्ट टाइम इसमें बैठेंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। 22 लाख आवेदन 2018 में यूपी टेट में हुए थे, इस बार संभावना है कि 20 लाख से अधिक आएंगे। उसका कारण क्या, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप भी प्राइमरी लेवल पर टीचिंग के लिए एबल हो जाएंगे। ये लास्ट बारी हो चुका था, इस कारण फॉर्मों की संख्या बढ़ गई थी, इस बार भी इसी कारण फॉर्म की संख्या बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। अब बात आती है कितने नंबर आपको लाने, तो मान के चलिए आप यहाँ 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर के होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यह फायदा आपको उठाना है, और 150 में से आपको 90 क्वेश्चन मिनिमम सही करने हैं। आप ये टारगेट लेकर के चले तब आप 60% ला पाएंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन की, तो जो 55,000 वैकेंसी आने वाली थी, हो सकता है वो इस टेट के एग्जाम के बाद आए, क्योंकि सरकार का जो है वो मंशा रहती है कि मैक्सिमम लोग वैकेंसी में अपियर हो सके। 55,000 वैकेंसी की बात एक बार आई थी लेकिन वो ठंडी हो गई, शायद इसका कारण यही था कि अभी टेट एग्जाम होना बाकी है 2019 वाला। अब आप 90% में बात कर रहा हूँ, 90 नंबर की बात कर रहा हूँ, तो 60% की बात हुई, तो 60% इसलिए ये मिनिमम आपके लिए होगा। अगर इससे कम नंबर आए तो सिलेक्शन के चांस कम होते हैं, ये बात ध्यान रखें आप, कैटेगरी आपकी भले ही कोई सी भी हो। अब बात करते हैं इससे ऊपर की, जब आपके नंबर 110 के आसपास आ जाएं, यानी कि आपका जो परसेंटेज है वो 70 के आसपास अगर टेट में होता है तो आपके लिए ज्यादा अच्छी संभावनाएं बन जाती है। उसका कारण ये होता है कि आपके पास आपने जो भी पढ़ा था वो आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाता है, रिकॉल हो जाता है, क्योंकि इसके जस्ट बाद दूसरी भर्ती भी आने वाली है, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, और अगर तैयार नहीं है तो पूरी तैयारी आप कर लें इस एग्जाम की, यूपी टेट 2019 की। इसके लिए कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है और कहां से कितना क्या पढ़ना है, ये सब जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियोज के माध्यम से देता रहूंगा। यहाँ नीचे मैंने लिंक भी डाल दिया है ताकि आपको बेस्ट बुक्स के बारे में भी यूपी टेट के लिए पता चल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं विजिट तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबाने के बाद आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिल जाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।